अरे शेर तो देख आऊंगे उनको, मन देख ले वहां पूछ कहां देगी। यहां बाघ भूख भी आते हैं इस साइड, भी आते हैं कभी कभार। तो आपने देखे अपने टाइम पे अभी कुछ? अरे भगा ले, इसने भगाड़ की है, वो तेज भागे करे, थोड़ी सी इसने तेज दे ले इसमें। मिल भी गया ना हम तीनों, 10 मिनट होने बाद हम फंसा ही लेंगे। सब धागे रवि ना छोड़े। हाँ ये पांडे बोल गया, वो स्टार्ट हो गई जो सीरीज का वन का एंट्री है ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ तो जंगल में एंट्री होगी, अब यहाँ तक पर्ची देंगे और जहाँ एग्जिट करेगा तो वहाँ डेट पड़ेगी। तो वहीं जाएंगे जो सबसे पहले, जैसे अब लोग होगा इसमें मैंने इतनी एडिट करनी पड़ेगी, मैंने एडिट करने में टाइम लग जाएगा 1-2 घंटा। भाई तो दे दिए एडिटिंग भी दो बढ़ा देगा। हाँ भाई पर्ची लेगा हूँ, बाहर ले गा था। क्या उतर गया? अच्छा मैं इसने उठा ढूंढने लगा रहा हूँ, पर्ची लेनी पर्ची ले। तो ऐसे से कुछ एंट्री है यहाँ से पांडू बोल के, और इसके बाद गाड़ी की और बाइक की दोनों की लेनी पड़ेगी, गाड़ी और बाइक दोनों की लेनी पड़ेगी। क्यों ताने लग रहा है, चला लियो अब, ये तो मजा आऊंगे ऑफ रोड पे होगा मस्त, देखो क्या भागेगी। जैसे बाइक पे चलाने का तो मेन वो होता ना, ये रोड है ऐसे जाके मक्खन के जैसे चल लेना है। वो मेरे तो छाती भर गई, क्यों हो गया थक गया तू यार सैंडी जल्दी, क्यों हो गया मजे ना आए, मजे ना आए कैसे रोड है, रोड कैसा? पूरा पूरा रास्ता है अब, यही तो मैं जाऊंगे ना चलान के, मजा आ सकते हैं है? ना रुकेंगे बीच में टेंशन के लिए ना, ये रही भाई ये रही बाइक की मोटरसाइकिल की टिकट यहां पे 55 रुपए की है। देखा था अंदर दरवाजा टिकट दे। तो ये कुछ चार्जेस है, शनिवार इतवार को अगर आप आते हो तो सैटरडे संडे का चार्जेस ऐसा है। और ये क्या प्रवेश लुक नेम, अरे वहां चलना है क्या तुमने सफारी पे चलना है अंदर बाघ बुक देखने? पूछ भाई साहब से पूछ, चल देख लेंगे। तने शेर की कह दियो डरा पड़ा। हेलो ये तो कह रहे हैं चल ले यार बाघ बुक अंदर सफारी पे, शेर ना देखो पूछ रहे बने तक कहां तक मिलेंगे। अरे सफारी जाने के लिए कहाँ से मिलेगा? सफारी पीछे से मेन रोड से राइट में चाहिए तो यहाँ तो ऑफिस है, तो वो लेके जाते अंदर दिखते हैं बाघ भूख होते हैं तो मतलब दिखा के लाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं दिखा। कितनी देर की होती है वैसे? 3 घंटे। 3 घंटे की। हेलो मेन रोड से ये ऑफिस है, 2 बजे खुलेगा विंडो, 2 बजे खुल 2 बजे एंट्री खुलेगी, गिफ्टी मिलती है। और कितना चार्जेस होता है? टीका लगता है 715 रुपये एक जने, कैंटर का लगता है 715 रुपये एक जने का। अच्छा एक जने का 715। और अगर मंगलवार शनिवार को नहीं आते अंदर जाने का क्या होता है? वैसे वही होता है विकल्प 19 है और वही चार्ज सेम रहते हैं तो उसमें सफारी भी करा देते हैं। आज वो मंदिर नहीं जाएंगी वो गाड़ी, आज मंदिर आज सिर्फ सफारी कराएंगे वापस नहीं छोड़ते। वो एक्चुअल में क्या है कि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, हाँ जैसे कल संडे को है जब तो मंदिर ले जाती है, हाँ आज ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक में 3 घंटे गाड़ी 2 घंटे बंद फंस जाए तो सिर्फ सफारी करा के ले जाते हैं। अपनी गाड़ी से हुआ ना? अच्छा नहीं बाबा अंदर तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, मैं सफारी करने के लिए सोच रहा था। पहले एक बार देखे संतुष्ट नहीं हो तो सफारी कर लेना, आ जाओ आराम से। ये अंदर लेके जाते जंगल में, ये तो रास्ता मेरे को पता सीधा मंदिर चला जाएगा, लेफ्ट राइट के रास्ता भी जाती है सफारी। तो दिखते हैं बाघ भूख यहाँ से पास होते हैं अंदर की तरफ होते हैं ज्यादा, कितने चांसेस होते हैं? देखो 0 से लेकर 100% होते हैं, आज 20 गाड़ी हो गई 2 गाड़ी को दिखा। अच्छा ये तो चांस वाली बात है, गारंटी कोई नहीं थी। ठीक है थैंक यू भाई, बताओ नीचे कर लेना इसने। हाँ बता भाई जी, हाँ चल शेर तो देख आऊंगे उनको, मन देख ले वहां पूछ कहां देगी।
बाहर तो बढ़ना वो मिलेगी जिस टाइप एक जने के 750 रुपए एक बंदे के, तो सेल देख के 7 रुपए लगेंगे तो तू कहते बस का किराया मांगेंगे डिस्कवरी मार्क चैनल आ यार उड़ना ना हर जगह जान में ना वो कर दे बता बता जल्दी बता मर्जी सर देख लो कोई दिक्कत ना मैंने सर जी कर लो पहले अंदर ही चले चल देखेंगे भाई यहाँ चांसेस भी कम है ना आज वैसे भी कम होगी कि आज बहुत अंदर लोग गाड़ियां जा रही हैं तो 100 होगा तो और ज्यादा अंदर मिलेंगे तो और ज्यादा अंदर लेके जाऊंगे वो भाई उनका लिमिट होता है वो 100% नहीं दिखे भी ना दिखे चलना तो बता मैं बात कर चल रहा है ना दिखे तो तो गारंटी ना है किसी चीज हम सीधा ही चलेंगे भाई पता लगते पैर फुल और वो पैर जा के सीधा भाई कट अपन भाई चल चल और टिकट हले हटते पकड़िए बस हां हेलमेट हेलमेट खा ले अरे रुक दे बंद 2 मिनट रोक लेगा ये उड्डा के लाने में ना दिक्कत ही हुई है कहीं नहीं जान दे यो मारा वो बुड्ढे बुड्ढे आ रहे ना और सीधा सीधा जी जान सलमान आजा दिल्ली से आने लगा सलमान तो सब चीज़ें चेक होती हैं तो ऐसा सब कुछ रास्ता इनका यहाँ पर रिजर्व का कार्यालय बना रखा है यहाँ पे जो भी गार्ड या पुलिस वाले होते हैं आपकी चेकिंग करते हैं गाड़ी के चेक करते हैं अच्छे से हमारे वाले पता नहीं कहाँ रह गए भाई कितनी देर वेट करना पड़ेगा अब इनका तो गाइस अभी हम पांडुपोल के बीच में पहुँच चुके हैं मतलब आधा रास्ता हो चुका है आधा रास्ता 11 किलोमीटर और बचा है यहाँ पे हमें मिले हैं जेठाराम जी हेलो सर बॉर्डर होम गार्ड मिले हैं जेठाराम जी हैं बीकानेर से आप मैं बीकानेर गया था लास्ट ईयर जनवरी में गया था बीकानेर जैसलमेर पूरा एक ट्रिप किया था घूमने वाला तो सर आप की ड्यूटी यहाँ कितने टाइम तक होती है यहाँ आप 2 महीने रहते हैं हम उसके बाद में बदली हो जाते हैं हर 2 महीने ना क्योंकि मैं 4 महीने पहले आया था जब और कोई सर थे उनकी भी वीडियो बना रखे मेरे उसमें है वो यूट्यूब पे तो कैसा एक्सपीरियंस होता है वैसे यहाँ तो बहुत नेचर के पास आ जाते हो ना शांति होगी बहुत पीस मिलता होगा अब यहाँ से वापस गाँव में जाओ तो शोर शराब है वैसे ना तो क्या मन लग जाता है मन लग जाता है अच्छे से जानवर बहुत देखने को मिलते हैं तो आप में यहाँ बाघ भूख भी आते हैं इस साइड भी आते हैं कभी कभार तो आपने देखे अपने टाइम पे अभी कुछ आए हैं मेरे को पर्सनली ऐसी जगह बहुत पसंद होती है गाड़ियाँ आज क्राउड ज़्यादा है वैसे भीड़ है ना आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शनिवार और मंगलवार 2 बार गुड़गांव नंबर है अभी शनिवार और मंगलवार 2 टाइम होता है ये खुला होता है तो अपनी गाड़ी से तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही है इस रास्ते पे आपको जाती हुई कम दिख रही होंगी यहाँ से आती हुई भी कम दिख रही होगी क्योंकि ये रास्ता भानगढ़ की तरफ जाता है तो पूरा जंगल क्रॉस करके हम बैक वाले गेट से निकलेंगे और इसी रास्ते से हम वापस जाएंगे आने के बाद आगे भाई सब आगे
गाड़ी चेक क्यों ना कराते, तो चेक करा के आगे से रुक लिया बाइक ले करो रुक से मान पड़ इस तरह चेक करेंगे तो डिग गए ये जेठ आराम जी चेक करेंगे तुम्हें यही मेरे साथ ही चेक वो दे दे पर्ची होगी ना पर्ची मिली होगी चलो वहाँ साइड रोक ले मारो आगे आगे दबा ले लेकर आ रहा हूँ भाई चलो चलते हैं अब मंदिर चलने का टाइम आ गया दूसरे साइड में ली एक बार तेने तो याद चला ही ना बुढ़ा उसने जान दे तीसरी चौथी बार आ रहे ना एक बार तो सुरेंद्र गल आए थे तो एक बार हम स्विफ्ट में आए थे जब पूरा चक्कर काट गए थे याद है स्विफ्ट में दो बार पहली बार आए जब पूरा चक्कर काटा मैंने एक फोटो खींचा था तू जिद में दोबारा आया था कि मैंने भी सारी फोटो खिंचवाना है फिर हम अगले महीने फिर आए अरे एक फोटो खींचा था मैंने वो बहुत बढ़िया फोटो आ गया क्योंकि बादल आ रहे थे पीछे सारा सिर हो गया मैं मेरे फोटो खींचना चल वापिस तो फिर आए तुम हाँ फोटो खातर आ गए तुम इन्हें वही चाहिए था जब मैंने खींचा था मैं तेरे बिना चार पांच बार आ लिया मैं कई बार आ लिया बाइक नहीं लेते बाइक लेकर आया था हाँ जब मम्मी पापा आए थे बाइक की पूजा कर भाई थी ना मैंने बजरंग भाई पांडू पोल की तरह स्टोरी बताता हूँ पांडू पोल नाम तो पता चल जाए महाभारत टाइम का है वो इतना पुराना मंदिर है तो तुमने कभी कहानी सुनी होगी एक जब पांडव वनवास में थे ना तो उस टाइम में यहाँ पे जा रहे थे वो तो आगे एक पहाड़ आता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है रास्ता रुक जाता आगे अच्छा। तो उस टाइम में पांडव की माँ उनसे कहती है कि रास्ते को यहाँ से तोड़ के रास्ता बनाओ तो भीम ने वो पहाड़ तोड़ा था गदा मार के वो आज भी टूटा हुआ है वो दिखता है वहां पे दिखाऊंगा तेरे को लेके चलूंगा हाँ बोल भाई बोल पानी पीने के लिए अरे ना ना, ना वो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरी स्टोरी देख के आया था मैं जब भी बता रहा हूँ भाई तो वो पहाड़ जो ऊपर तोड़ रखा है ना वो रास्ता बनाने के लिए तोड़ा था तो जब उसके बाद जब उसने तोड़ा ना भीम को घमंड था कि मेरे से बलवान कोई नहीं है हाँ तो उस टाइम में कृष्ण जी ने हनुमान को बोला बजरंग बली का मंदिर है तो उस टाइम में कृष्ण जी ने बोला था बजरंग बली को कि आप जाओ क्योंकि महाभारत का टाइम लड़ाई उसको पता ही था कि घमंड होगा तो वैसे हर जाएगा तो घमंड तोड़ने के लिए बजरंग बली आए बूढ़े बांदर का रूप लेकर ठीक है तो अपनी पूछ बिछा के लेट गए थे तो उसने भीम आया तो कह रहा बंदर अपनी पूछ हटा ले क्या बेटा मेरे तो ना हटा तू हटा दे तू बहुत बलवान लगा है तो उसकी बजरंग बली की पूछ नहीं ली थी तो उस टाइम में जब उसने बोला था कि हनुमान की फोटो हाँ लेटे हुए पांडु पोल लेटे हुए बजरंग बली का है और शायद इंडिया में सिर्फ तीन ही लेटे हुए बजरंग बली की प्रतिमा वाले मंदिर है एक यहाँ पे है एक यूपी में और एक एमपी में हाँ तीन मंदिर है ये तीन ही मंदिर है वो बजरंग बली के ही है तो जब उसने बोला था कि भगवान मेरे को अपने दर्शन दो आप हो कौन तो जब बजरंग बली ने दर्शन दिया था और जब पूरी महाभारत में ना अर्जुन के रथ पे भी बजरंग बली का ध्वज रहा था पता तो उस टाइम का मंदिर स्थापित है तो महाभारत टाइम का बहुत पुराना मंदिर है और अब ये पूरा एरिया गवर्नमेंट के अंडर आता है सिरस का वन जो फॉरेस्ट के अंडर पूरा आता है क्योंकि यहाँ बाघ भी है और सब कुछ है तो फॉरेस्ट वाले देखते हैं और ये रोड जानबूझ के नहीं बनाते जितने ये रोड बन जाएगा वहाँ बहुत जानवर मरेंगे लोग भगाते हैं तो मैं और सेंडे तो बहुत टाइम अंकल बहुत मानते थे इसमें पापा भी आए थे अंकल बहुत आते थे अंकल मानते थे पहले अंकल के साथ थे जब भी हम अंकल के उस आए थे तो पहली बार जब आए थे कितने साल हो गए कोहली जी में आए थे हाँ जागा जब पहली बार तो हो रहा करते कि भाई और तो फिर भी बहुत चेकिंग उस टाइम तो कुछ भी ना था पर बढ़िया है आकर अच्छा तो लगा जंगल के अंदर पूरा
ना तो बाहर तो बने बने रहे, कुछ ना बन रहा, पूरा फॉरेस्ट है। मंजित बाज गया भाई आके, इतनी भीड़ हमने एक बार मिली थी, बर्तरी का मेरा लगा था, मैं भीतर ना बढ़ पाए, उड़ा हम जंगल के दोनों साइड थे, पूरे जंगल के चक्कर काट गए थे, चारों तरफ चक्कर काट गए हम, और बारिश का मौसम था, अंदर अपनी गाड़ी लेके जानी तो पिछले वाले गेट पे जाओ, हम पिछले वाले गेट की गाड़ी लेके पूरा जंगल काट के, पर भाई क्या व्यू है इसका चारों तरफ, अभी आओगे भी तेरे आ जाएंगे, लिफ्ट लिफ्ट बुलाऊं नहीं नहीं जय बजरंग बली। आज तो भीड़ है पूरी भर के भाई, भीड़ है ऐसा सा मंदिर है, और आ जा भाई आ जा, दूर है एक किलोमीटर था, क्या बता था तू और तेरे दो दोस्त जंगल में गए थे झोपड़ी में रहते, किस में रहते, झोपड़ी में, झोपड़ी में आगे बोल यार उड़ा, अरे उड़ा के ना ज्यादा शांत हो गया, उड़ा कैमरा ऑन होते मैंने सुन हो जाए, उड़ा का बटन ऑफ कर दिया हो आगे, पिछली बार जब आया था ना, पिछली तो पिछली बार जब गए थे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया था, इतनी मधुमक्खी तो कोई ना जा पा रहा था आगे काट रही। अब ना इस बात में कंफ्यूजन है, कई तो कहते हैं यार गदा मार के उन्होंने भीम ने वो बनाई थी पानी खाता, हाँ। और कई कहते हैं रास्ता बनाया था गदा मार के क्योंकि पहाड़ है, पानी जल्दी काट रहा लेकिन उसको ओढ़ भी ना पाया भाई, हाँ। सबने यही बताया, साची साची तो भीम ही बता सका भीम ना, क्योंकि जो वो गदा मारने का निशान है ना संडी, वो चीज मैंने नोट करी, वो उस पहाड़ में ऊपर तो वहाँ तो झील है ही नहीं, झील तो नीचे है, वहीं ऊपर भी तो ऊपर ही रहा झील, ऊपर ही तो पानी ऊपर तो हो गया ना पीछे, हो गया पीछे उठा, इतना डरने की क्या बात है, प्यारा रास्ता दे ऊपर मंदिर देखे को, उठा ड्रैगन है देखा भगवान की मैं समझ गया, मैं देख गया मेरा मानू भाई ना तुम भाई खत्ते भैया ठीक है, मैं गुंडी पकड़ूंगा ठीक है, हाँ चौथा तारी वीडियो बना होगा पकड़े रखे, अरे जान छोड़ो ना तो छोड़ो, वीडियो बनाइयो बाहुबली का पता कर चलेगा, दूर भी तो ना तेरा तो भीम की तरह क्वेश्चन उठ जाएगा, अरे ऐसा बुड़का भर ले ना एक हाथ पे तो छुड़वा दे कल वीडियो में लग रहा है, मैं तो भाई एक टेंडर लेऊंगा पहला बाजूंगा मैं।
तू शेर आग बन जाइ तीन बच जाएंगे तू शेर आग ना आ दो ऊपर जा रहा बता मोहल्ले की इसने ना झील पे इतना गर्मच मगरमच्छ करके रेड शेर शेर करके दुखी कर दिया भाई। मैं इतना जाने ये अगर मिल भी गया ना हम तीनों 10 मिनट होने बाद हम फसा ही लेंगे। चल ता करो भी ना छोड़ेंगे उसके बाद ना तेरा फ्रेंड ये भी कर भाई चल भी के नाम भी बताएंगे क्या अरे उड़ा सैंडी तेरी कुर्बानी तो दे ही सका भाई खातर भाई सुने सुने यो ना अपने एक्सपीरियंस बतावा देखे गए उसमें बुला में अरे भाई जी ताना था वो डेस्टिनेशन दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे हां तो वर्ड भी ऐसे यूज करके सेम मैप ले रहा इनबिल्ट है भाई उड़ा में याद है बारिश के टाइम होना चाहिए कहीं से पानी पीते आता है ना। हां जा भाई सर पानी पी जाके यहाँ जब हम आए थे ना उस टाइम को मर भी गया था ऊपर गिर गया था। हाँ। तो ये चीज पहले ना बोला था यार अगर आपको बोला फूड आता है ना मैं वहाँ था तो ये था ऊपर हाँ ऊपर वही तो मारा था भीम ने मारा था रास्ता बनाने के लिए फिर पहाड़ था पूरा पानी थी हाँ पूरा पहाड़ था। अब भाई दो स्टोरी है उसकी कोई कहता पानी के लिए कोई बोलता रास्ते के लिए रास्ता कड़े होंगे भाई। अभी चल बता तो रहा हूँ देखता दिखा दे भाई पानी उस टाइम अपना टूट जाए कर ऐसे रास्ते की दिक्कत क्या पड़ती है बजरंग बली थोड़ी टूट जाया करता बड़े बड़े मानस ये देख यहाँ यो कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये रास्ता बना चल भाई चल ये गिर मत जो साले तू चलो वापस चले देखते भाई तो ये वाला बेसिकली एरिया है जिसको बोलते हैं कि गधा मार के निकाला था भाई गधा मार के भीम ने इसे पानी निकाला था रास्ता बनाया था जो भी है बट यही वही है तो इसको देखने बारिश में बहुत अच्छा होता है बारिश में क्योंकि यहाँ पे पानी आता है पूरा ऊपर से पानी आता है नीचे पूरा झरना बन जाता है तो नीचे इकट्ठा होता है तो बारिश का टाइम है नहीं लोग कुछ ऊपर चढ़ भी जाते हैं बट रिस्क है भाई कौन चलेगा एक बार स्लिप हुआ वहां तक नहीं रुकेगा नीचे तक नहीं अच्छा कहाँ रुकेगा एक एक जगह रुकने अरे तो ऊपर वहां पे तो भाई वहां कहाँ है चलो ठीक है भाई सीढ़ियां चले ठंडी वहां भी जाना है बाणगढ़ लेट हो जाएगा।